हाय वेलकम टू बॉलीवुड राउंडअप विद नैना ओबेरॉय एट टैक टीवी और एक बारी फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ तड़कती और भड़कती खबरें। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख और तारा सुतारिया की मूवी रिलीज हो चुकी है और मरजावा ने अभी तक सिर्फ 23 करोड़ का बिजनेस किया है जबकि बजट था 50 करोड़ का। बट लेट्स नॉट लूज होप क्योंकि अभी तक रिलीज हुए 3 दिन ही हुए हैं। मलंग मूवी का फर्स्ट लुक आ चुका है। आदित्य रॉय कपूर और दिशा पाटनी को साथ देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो पड़े हैं और उसके अलावा इसके फर्स्ट लुक में दोनों गोवा के किसी बीच पे पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लड़कियां आदित्य रॉय कपूर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है उनकी बॉडी की वजह से, सिमिलरली लड़के दिशा पाटनी को ज़्यादा पसंद करते हैं उनकी बॉडी की वजह से। सो दिस हॉट कपल आर गोइंग टू कम टुगेदर फॉर मलंग। जैसा कि हम सब जानते हैं परिणीति चोपड़ा काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं क्योंकि उनकी अपकमिंग मूवी सानिया नेहवाल की बायोपिक के लिए उन्हें बैडमिंटन की हर रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। उस प्रैक्टिस के दौरान परिणीति चोपड़ा को चोट लग गई है और वो 15 डेज के रेस्ट पीरियड पे चली गई है और उनका ये कहना है कि ये 15 डेज का मेजर बैक जाएगा उनके करियर पर क्योंकि जितना प्रैक्टिस और जितनी डेडिकेशन से वो अभी तक काम कर रही थी 15 दिन बाद उनका स्टैमिना लो हो जाएगा। बॉलीवुड के मोस्ट रोमांटिक कपल को साथ में एक साल हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बारे में। उन दोनों की शादी 14 नवंबर 2018 में हुई थी। इनका काफ़ी अरसे से चक्कर चला एंड फिर इन्होंने शादी कर ली। इनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी थी और उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के लिए काफ़ी ग्रैंड रिसेप्शन रखा। उसके अलावा इन्होंने साथ में पद्मावत, बाजीराव मस्तानी और रामलीला जैसी मूवी बॉलीवुड को दी है और ये कपल काफ़ी ज़्यादा एडमायर्ड है। रणवीर सिंह की एनर्जी और दीपिका पादुकोण की चार्मिंग पर्सनालिटी साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बालाजी और पद्मावती टेम्पल गए थे।
अक्षय कुमार की फर्स्ट म्यूजिक वीडियो रिलीज हो चुकी है 9th ऑफ नवंबर को। इस वीडियो के अंदर एमी विर्क, अक्षय कुमार और नुपुर सेनन है। नुपुर सेनन कृति सेनन की छोटी बहन है जो कि हमें उनकी इंस्टा प्रोफाइल में देखने को तो मिलती थी एंड शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर। और इस गाने पर 152 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आ चुका है। ये गाना बी प्राक ने गाया है जिन्होंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे गाने गाए हैं जिनमें से एक था मन भरिया जो कि ब्लॉकबस्टर गाना था। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और अब बात करते हैं अपकमिंग फिल्म्स के बारे में। आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द ऑडियंस कि पागलपंती रिलीज होने वाली है कमिंग फ्राइडे। इस मूवी का लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि अनिल कपूर इस मूवी में आ रहे हैं फिर से टोटल धमाल के बाद। टोटल धमाल वॉजेंट फन टू वॉच, लेकिन अनिल कपूर के लिए लोगों ने फिर भी उस मूवी को देखा। अमीज बाजमी फिर से नो एंट्री, थैंक यू, रेडी, वेलकम बैक के बाद ऐसी मूवी लेकर आ रहे हैं जो कि ऑडियंस पक्का एंजॉय करेगी। गुड न्यूज़ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। गुड न्यूज़ जो कि अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और कियारा की एक कॉमेडी मूवी है जिसमें वो दोनों कपल्स मिस्टर बत्रा होते हैं और उनका बच्चा ना होने के कारण वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं एंड उनके बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं। इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी मूवी जिसका ट्रेलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और उसके साथ साथ लोग दिलजीत दोसांझ और करीना कपूर का फिर से साथ में आने के लिए वेट कर रहे थे बट दोनों अलग अलग कपल्स में हैं। बट द मूवी सीम्स इंटरेस्टिंग, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हिलेरियस लग रहा है, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वॉच इट। मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई स्टिल रिमेम्बर करण, ये मुझे एक कहानी सुनाने लाए थे
तो ये मेरे घर पे आए हुए थे, इन्होंने कहानी सुनाई और करीबन डेढ़ पौने दो घंटे की नरेशन दी और मैंने कहा बहुत अच्छी कहानी है। फिर मैं बोला और क्या बना रहा है, फिर कहता एक छोटी फिल्म बना रहा हूँ गुड न्यूज़ करके। मैं बोला उसकी कहानी क्या है, फिर उन्होंने करीबन दो मिनट सुनाई वो कहानी। मैं बोला वो डेढ़ घंटे वाली भूल जाते हैं, ये बनाते हैं। तो फिर उसके बाद ये मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ वाली कहानी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया इस कहानी के अंदर। और मैं सच बताऊँ तो ये ऐसा हादसा कहीं हुआ भी है जो आपने देखा ट्रेलर अभी, ये कहीं हुआ भी है और उसको ले के इसको पिरोया गया है। मर्दानी 2 रिलीज होने वाली है 13th ऑफ दिसंबर को। ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और उसके अलावा रानी मुखर्जी का किरदार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था मर्दानी 1 में और जिसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया था, जिनका बजट था 210 मिलियंस का एंड उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 867 मिलियंस कमाए थे। ये एक फेमिनिस्ट मूवी है जो कि लोगों को सच्चाई दिखाती है। मर्दानी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड थी, सिमिलरली मर्दानी 2 भी एक ट्रू स्टोरी पर ही बेस्ड है। और अब बात करते हैं पति पत्नी और वो के बारे में। उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और लोग कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे को साथ में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये मूवी 6th ऑफ दिसंबर को रिलीज होने वाली है, सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस मूवी और इसका ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पति पत्नी और वो के साथ ही साथ एक और मूवी रिलीज हो रही है जो कि थोड़ी हिस्टोरिकल है। इस मूवी का नाम है पानीपत। इस मूवी में हमें अर्जुन कपूर, कृति सेनन और संजय दत्त देखने को मिलेंगे।
ये मूवी आशुतोष गवारिकर रिलीज कर रहे हैं और इनसे पहले उन्होंने और भी हिस्टोरिकल मूवीज बनाई हैं, जिनमें से थी एक लगान, दूसरी जोधा अकबर और मोहनजोदारो। ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल टच के साथ आती हैं एंड ऑडियंस को ऐसी मूवी देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके अलावा संजय दत्त हमें कलंक के बाद फिर से इस रोल में देखने को मिलेंगे, सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी हिम। करते हैं मूवी रिव्यूज के बारे में। 15th ऑफ नवंबर को दो बॉलीवुड की मूवीज रिलीज हुई थी, जिसमें से एक थी मरजावा। सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख, रकुल प्रीत और तारा सुतारिया की ये मूवी, काफ़ी ज़्यादा लोग इस मूवी की वेट कर रहे थे क्योंकि ये क्यूट सी रोमांटिक सी स्टोरी लग रही थी कपल के बीच में। और एक विलन के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख फिर से साथ आए थे। एक विलन के सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा हिट थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक लोगों ने उन्हें सुना था। मरजावा has failed to impress the audience. On the other hand, मोतीचूर चकनाचूर रिलीज हो चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी है, लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इस मूवी को। इस मूवी की स्टोरी है कि अनीता, जो कि सपना देखती है कि उन्हें एक ऐसे ही आदमी से शादी करना है जो कि बाहर सेटल्ड हो। ऑन दी अदर हैंड, नवाजुद्दीन सिद्दीकी 36 ईयर ओल्ड मैन का किरदार निभा रहे हैं, जो शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट होते हैं। समहाउ ये दोनों फैमिली के थ्रू मिलते हैं और इन दोनों को सेटअप किया जाता है शादी के लिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फैमिली, जो कि डाउरी के लिए काफ़ी ज़्यादा लालची है, और अनीता, जो कि थोड़ी मॉडर्न लड़की है, इनकी एक स्वीट सी जर्नी है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्ती और मज़ा लेकर आती है अपने साथ। अब बात करते हैं बाला के बारे में। आयुष्मान खुराना की ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मस्ती और मजाक लेकर आती है अपने साथ। उसके अलावा एक वो बहुत अच्छा टॉपिक रेस करती है, जो कि है अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कि लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस होती है, किसी कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई बॉल्ड है, कोई काला है, वो अपने आप को एक्सेप्ट करना सिखाती है मूवी। ये मूवी फन टू वॉच है और उसी के साथ साथ बहुत ही अच्छा लेसन लेके आया अपने साथ। यामी गौतम, भूमि पेंडिकर और आयुष्मान खुराना की ये मूवी एक मस्ट वॉच है। आयुष्मान खुराना, यामी गौतम और भूमि पेंडिकर की ये मूवी काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट जा रही है। इस मूवी ने 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर दिया, जबकि बजट खाली 45 करोड़ का था।
सेम जॉनर की मूवी थी उजड़ा चमन। सनी सिंह की ये मूवी ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। इस मूवी ने खाली 10 करोड़ का बिजनेस किया जबकि बजट था 15 करोड़ का। सो दिस मूवी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड अ हिट, इट वॉज अ फ्लॉप मूवी। आयुष्मान और आपकी बात करता हूँ, आई मेट यार आयुष्मान डे बिफोर यस ही सेड कि दम लगा के हईशा वॉज अ लाइफ सेवर फिल्म फॉर एंड यू आर द वन हू स्टार्टेड द जर्नी ऑफ इन द इंडस्ट्री। व्हाट्स योर आई थिंक हम दोनों के लिए दम लगा के हईशा एक लाइफ चेंजिंग फिल्म थी क्योंकि मेरी तो पहली फिल्म थी और बहुत ही डराव मतलब ऐसी फिल्म थी जहाँ पे मतलब मुझे ये नहीं पता था हो सकता है लोग मेरा पास हो सकता है उस फिल्म के बाद कभी करियर ही ना हो। और आयुष्मान के लिए भी एक बहुत स्पेशल फिल्म थी तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट तो डेफिनेटली हम दोनों के लिए सेम है। इसलिए आयुष्मान हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा मेरे लिए क्योंकि हम दोनों कितने स्पेशल जर्नी का हिस्सा बने। फिर हमने साथ शुभ मंगल सावधान करी, अब बाला कर रहे हैं और इससे बेटर फिल्म नहीं हो सकती थी हमारे लिए कि हम रिकोलैबरेट करें। बहुत ही सिंपल फिल्म है, एक ऑनेस्ट फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो बहुत अलग अलग प्रकार के इमोशन आपके अंदर लाती है और हम दोनों बहुत ही अलग दिख रहे हैं इस फिल्म में ऑफ कोर्स। एंड हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अलग है इस फिल्म में। यूजुअली मैं आयुष्मान रोम कॉम्स करते हैं, यू नो लव स्टोरीज़ करते हैं विद अ ट्विस्ट और इस बार हम दोनों इन अ वेरी टिपिकल वे रोमांटिकली एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन इसलिए मैंने ये फिल्म करी कि मैंने कहा यार हम इतना मज़ा आता है एक दूसरे के साथ काम करके, कुछ अलग काम करके देखते हैं कैसा लगता है। अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रही है। लोगों को उम्मीद है कि ये वॉर से ज़्यादा अच्छी मूवी जाएगी लेकिन अभी तक ऐसा रिस्पांस आया नहीं है। इस मूवी ने 202 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर दिया है और इसका बजट 125 करोड़ का था। इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी वीक है बट स्टिल लोग ये मूवी इन्जॉय कर रहे हैं। मूवी एकदम हाउसफुल है, एक नंबर मुंबई की भाषा में और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। आप सब इन्जॉय कर सकते हैं घर पे, अगर आपकी फैमिली है आप लेके जाइए क्योंकि अभी बहुत सारी छुट्टियां हैं तो इन्जॉय कीजिए। मतलब स्टोरी पसंद आई आपको? या या आई लाइक द स्टोरी, पंचेस, डायलॉग्स, कॉमेडी, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग सब सही जगह पे है। हाउसफुल 4 बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत एंटरटेनिंग पिक्चर है। दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाइए कृपया करके। बिल्कुल आउट एंड आउट कॉमेडी, आपको बहुत मज़ा आएगा, कभी बोर नहीं करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कुछ ऐसे सोचे कि कुछ बोरियत हो रही है या कुछ अजीब है, कुछ नहीं। कैसी लगी आपको हाउसफुल 4? जी मुझे बहुत अच्छी लगी। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार तो बहुत ही लाइक मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि ही इज़ एबल टू मेक दिस रिकॉर्ड। अगर ये फिल्म सक्सेसफुल होती है, हिट होती है, तो ये उनकी 18वीं सक्सेसफुल फिल्म होगी। अब बात करते हैं बिग बॉस 13 के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अरहान खान बाहर हो गए हैं और इसी वजह से रश्मि बेचारी काफ़ी अकेली पड़ गई हैं। जब से वो वापस आई हैं तब से उन्हें खाली अरहान का ही सपोर्ट था क्योंकि देवोलीना तो अपनी लव स्टोरी बनाने में बिजी है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। स्टार्टिंग में सिद्धार्थ शुक्ला और देवोलीना की तू तू मैं कितनी ज़्यादा हुई थी लेकिन अब हमें ये दोनों साथ में देखने को मिल रहे हैं। इनकी एक क्यूट सी लव स्टोरी देखने को मिल रही है
जो कि ऑडियंस को पसंद भी आ रही है लेकिन साथ ही साथ गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि बेचारी रश्मि अकेली पड़ गई है। और सना और सिद्धार्थ शुक्ला फिर से दोस्त बन गए हैं। सना से कोई काफ़ी देर तक गुस्सा तो रह नहीं सकता क्योंकि वो अपनी क्यूट सी हरकतों से लोगों को मना लेती है। पहले हफ्ते पारस और सना साथ थे, फिर दूसरे हफ्ते सिद्धार्थ शुक्ला और सना साथ थे, अब तीसरे हफ्ते फिर से पारस और सना साथ हो गए, चौथे हफ्ते फिर से सिद्धार्थ शुक्ला और सना साथ हो गए। तो लोगों को सना फ्लिप लगती है क्योंकि वो एक बंदे के साथ ज़्यादा टाइम तक टिकी नहीं रह सकती। हम ये तो जानते थे कि सना काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंटरटेनर है, लेकिन अब उनको एक टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा हिंदुस्तानी भाव से। हिंदुस्तानी भाव अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस को काफ़ी इम्प्रेस कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बिग बॉस में जगह ऑलरेडी बना ली है। उसी के साथ साथ एक टफ कॉम्पिटिशन लेकर आई है शेफाली। शेफाली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और वो अपना स्टैंड बहुत अच्छे से लेती है। उन्होंने कैप्टन का रोल बखूबी से निभाया एंड ऑडियंस को वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है। आज ही आमिर खान ने अपनी अपकमिंग मूवी का पोस्टर रिलीज किया है। आमिर खान की ये मूवी जिसमें वो एक सरदार का किरदार निभा रहे हैं, इस मूवी का नाम है लाल सिंह चड्ढा। काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट कर रही है अपने पोस्टर से क्योंकि हम ये जानते हैं कि आमिर खान जब भी आते हैं कुछ नया कॉन्सेप्ट और धमाकेदार कॉन्सेप्ट लेकर ही आते हैं। सो वी आर ईगरली वेटिंग टू वॉच द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी। Thank you for watching Bollywood Roundup with Naina Oberoi at TAC TV. See you next week.